This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your doorstep. नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं लोकल टीवी और लोकल टीवी के इस खास खबर में मैं निशा आप सबका स्वागत करती हूं। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के हेडलाइन से। एसपीएम ग्राउंड में टूर्नामेंट का अंत, बीआरएस की सोशल मीडिया मीटिंग, फिर से बना टेम्पररी ब्रिज, आज का मुद्दा स्ट्रीट लाइट, कांग्रेस भी कर रही प्रचार। तो आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। एसपीएम मैदान में चल रहे क्रिकेट लीग का कल समापन हो गया। इस लीग की खासियत ये थी कि इसमें तीन अलग अलग लेवल की प्रतियोगिताएं हुई थी। पहली प्रतियोगिता सिरपुर तालुका लेवल की थी, जिसमें की भटपल्ली की टीम ने प्रथम स्थान पाया और बेज्जूर की टीम रनर अप रही। दूसरी प्रतियोगिता वार्ड लेवल की थी, जिसमें 13 नंबर वार्ड जीती और 19 नंबर वार्ड रनर अप रही। तीसरी प्रतियोगिता गवर्नमेंट एम्प्लॉय लेवल की थी, जिसमें पंचायत राज टीम विजयी हुई और एक्स सर्विसमैन टीम रनर अप रही। ट्रॉफी देने के लिए कागज नगर म्यूनिसिपैलिटी चेयरमैन सद्दाम हुसैन और विधायक कोनेरू कोनापा शामिल थे। चुनावी दौड़ में बीआरएस ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए एक छोटी सभा का आयोजन किया। इस सभा में बीआरएस कैडर के सोशल मीडिया कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक कोनेरू कोनप्पा समेत बीआरएस पार्टी के नेताओं ने सभा को संबोधित करते हुए आने वाले चुनाव में सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने को लेकर कार्य प्रणाली बनाई। जैसा कि आप सभी को पता होगा, कागज नगर से दहीगांव जाने वाली सड़क पर अंदवेली जगन्नाथपुर के बीच मौजूद पुल टूट गया है। इस पुल के फिर से पूरा बनने तक एक टेम्पररी पुल बनाया जा रहा था। बारिश में ये टेम्पररी पुल एक दिन में ही टूट गया, फिर से इसे पूरा बना दिया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस टेम्पररी पुल को फिर से पूरा बना दिया गया है। अब इस पर से हर तरह की गाड़ी चल पाएगी और कागज नगर दहीगांव के बीच फिर से संपर्क जुड़ जाएगा। स्ट्रीट लाइट ना चले तो हर कोई परेशान होता है। अंधेरे में शहरों के आवारा कुत्ते परेशान करते हैं, हाईवे पर गड्ढे परेशान करते हैं और गांव में सांप बिच्छू सरीखे खतरनाक जानवरों का डर सताता है। इसलिए केंद्र सरकार ने हर जगह स्ट्रीट लाइट लगवाने के काम शुरू किया, लेकिन इन लाइट का मेंटेनेंस कोई नहीं कर रहा। कापूवाड़ा इलाके के निवासी राजेश ने बताया कि कुछ लाइटें दिन में भी जलती ही रहती है। वहीं संगम बस्ती के निवासी इसाक और गुंटूरू कॉलोनी के शाहरुख ने बताया कि कॉलोनी में ये लाइट जलते ही नहीं। इन सबको लेकर हमारी टीम ने कमिश्नर श्री अंजैया जी से बात की। कमिश्नर साहब ने बताया कि स्ट्रीट लाइट के ऑपरेशन को दुरुस्त करके टूटे हुए लाइटों को ठीक किया जाएगा। इस काम को करने में 2 से 3 दिन लगेंगे। कांग्रेस भी अब सिरपुर के चुनावी मैदान में धीरे धीरे दिखने लगी है। कांग्रेस के तालुका इंचार्ज रावी श्रीनिवास ने परसों कागज नगर बाजार में प्रचार शुरू किया। वहीं टीपीसीसी के सदस्य कोरल्ला कृष्णा रेड्डी भी कल सिरपुर टाउन में प्रचार करते हुए नजर आए। चुनावी विश्लेषक बताते हैं कि कांग्रेस को थोड़े बहुत कोर वोटरों का समर्थन मिल सकता है। रावी श्रीनिवास की तुलना में यदि कोरल्ला कृष्णा रेड्डी को टिकट दिया जाए तो वोटों की संख्या बढ़ भी सकती है, लेकिन सिरपुर तालुके में कांग्रेस की जीत लगभग असंभव बताई जा रही है। देखते हैं कि कौन प्रत्याशी बनेगा और आने वाले दिनों में कांग्रेस किस तरह की स्ट्रेटेजी बनाएगी। तो दर्शकों, अगर आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। मिलेंगे नए वीडियो में नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।